أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وهم إظهار إخفاء إدغام إقلاب ये नून सागिन और तनवीन के कायदे कर रहे हैं उसमें से हम इदगाम और इकलाब की मिसालें देख रहे हैं इदगाम की मिसालें नाइन्टी परसेंट हो चुकी हैं आज हम इनशा इकलाब पढ़ेंगे और जो टेन परसेंट यानी एक लाइन जो इदगाम की रह गई है वो भी बढ़ेंगे इनशालाजल तो, तो स्टार्ट करते हैं बिसमानरिम हिजे करना हमने सीख लिय हिज्जों के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है और इंटरेस्ट नहीं रहता हिज्जे करना सबको आ गए हैं इंशाल्लाह सवा जल्लाला अच्छा मुहम्मदुर इसमें देखें कि मीम मुद्दद है हममा इस तरह उसके बाद दुरवा यहाँ दाल तनवीन का कायदा लग रहा है तनवीन के कायदों में देखेंगे कि कौन सा कायदा लग रहा है तो हुरूफे यरमलून में से रा आ रहा है हमने पढ़ा है कि रा और लम जब भी आएंगे तनवीन और नून साकिन के बाद के कायदे में हम ये पढ़ चुके हैं कि रा और लाम पर हम गुना नहीं करेंगे तो इसको इसी तरह पढ़ेंगे दुररसूरू ये नहीं पढ़ेंगे दुर्र यानी गन्ना हम नहीं करेंगे दुरसू इस तरह पढ़ेंगे उसके बाद है वाव मद्दा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वाउ मद्दा क्यों हुआ वाओसाकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है इसलिए वाउमदा हो गया उसके बाद है ठीक है और लाम खड़ा जबर है और मुशद्दीदाया है और हमने एक बात जहन नशीन फरमा लें कि अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ना है बाकी कोई भी लाम आ जाए तो वो बारीक ही पढ़ा जाता है सिर्फ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ना है और अल्लाह यानी जबर वाला अल्लाह हो कहीं लाही तो है तो वह बारीक पढ़ा जाएगा सिर्फ अल्लाह अल्लाह के लाम को मोटा पड़ा जाता है जिस तरह ये ये भी यानी कि लील जेर वाला नहीं बढ़ा जाएगा और सिर्फ अल्लाह के लाम में जो अल्लाह के अंदर आएगा वही लाम मोटा पढ़ा जाएगा ये भी हमने कंडीशन पहले पढ़ी हुई है ठीक है तो रिवीजन का मकसद है इसलिए हम रिवीजन भी कर रहे हैं तो इसको किस तरह बढ़ेंगे इधर मीम मुश्दीद का कायदा लगेगा हम गुना करेंगे الله محمد असूलुआहीसूलु الله ठीक है रहीम रऊफ रहीम यहाँ हमजा है और बाऊ मद्दा आ गया है तो इसको लंबा करेंगे दो हरकत के बराबर रऊ यह क्यों हुआ क्योंकि साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है रहीम यहाँ रुआ मुशीद और तनवीन के कायदों में ईद का कायदा लग रहा है और राम शदीद आ गया है तो यहाँ हम गुना नहीं करेंगे राऊफुरऊ रही ठीक है तो इसको किस तरह पढ़ेंगे राऊफीम राऊन इस तरह पढ़ेंगे उसके बाद है मुसअिक मुस्दीमा इस तरह पढ़ेंगे में से है दाल मुश्दिद हो गया है।, मुस्वाद्दी, मुस्वाद्दी। फिर उसके बाद है।, में से है और जो है तनवीन का कायदा लग रहा है और हम यहाँ देखें कि लाम आ रहा है ईदगाह में से तो गुना नहीं करेंगे मुस्लिद इस तरह पढ़ेंगे उसके बाद आखिर में जो लास्ट में वर्ड आ रहा है वहां अलिफ मद्दा हो रहा है अलिफ मद्दा क्यों हुआ क्योंकि अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है ठीक है उसके बाद वही वही यहाँ या लीन हो गया क्योंकि या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर है वई वई ठीक है उसके बाद है लाम वद्दीद लाम तनवीन लाम के ऊपर तनवीन तनवीन का कायदा देखेंगे तो तनवीन का कायदा देखने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आगे कौन सा हरफ आ रहा है तो लाम आ रहा है और हमने ये लाम कहाँ पढ़ा है हरूफी जरमलून में तो समझ लें कि ईदगां का कायदा लग रहा है और हमने गुना भी नहीं करना वही लुल्ली कुल्ली वही लुल्ली कुल्ली वही लुल्ली कुल्ली ठीक है इस तरह पढ़ना है उसके बाद आ जाए अब आगे इकलाब की मिसालें पढ़ेंगे इनशा जवाजल इदगाम हमने पढ़ लिया है तो इकलाब हमने क्या पढ़ा है कि नौन साकिन या तनमीम के बाद अगर बा आ जाए तो उसको हमने मीम की आवाज़ से बदल देना है नौन साकिन नहीं पढ़ना जिस तरह ये मीम बादी है तो इसको मीम इसलिए किया क्योंकि निन के बाद बा आ गया है इसलिए इसको नौ मीन बा नहीं पढ़ा बल्कि मीम बादी गुना भी करना है और मीम को मीम से मिलाना है मीम बादी, मीम बादी इस तरह पढ़ना है ठीक है गुना भी करना है और मीम पढ़ना है नोन नहीं पढ़ना मीम आदि मीम बा आदि और इसके हिज्जे किस तरह करने हैं कि मीम नोन हिज्जे हिज्जों के दौरान मीन मीन ही पढ़ेंगे मीम नोन जेर मीन जबर बा मीन बा दाल जेर दी मीन बा आदि यानी जब हम इसको रवानगी में पढ़ेंगे तो मीम हो जाएगा जब हिज्जे करेंगे तो नून पढ़ेंगे मीम बादी, मीम बा बा इस तरह पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ भी एक कलाब का कायदा लग रहा है मीम बा है, और ये देखें यहाँ तक तो हो गया जय ये जो रेड है ये हो गया इकलाब का कायदा उसके बाद ये कौफ जो रेड किया हुआ ये हरूफे यानी कि कुतुब जद्दीन कलकला वाले हरूफों में से एक आ गया है तो यहाँ कलकला करेंगे ठीक है बक इस तरह पढ़ेंगे इस तरह पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा हो गया है, ठीक है अलिफ मद्दा क्यों हुआ क्योंकि अलिफ से पहले वाले हरफ के ऊपर जबर है कौली हा उसके बाद है अम्बी हम अम्बी हम यहाँ जो है इकलाब कायदा लग रहा है उसके बाद यहाँ झटका देंगे हमजा आ गया है तो अम्दी हुं, अम्दी हुं, ठीक है उसके बाद यहाँ देखें लय बजन्ना यहाँ भी इकलाब कायदा आ गया है लयम बजन्ना यहाँ जन्ना पे गुन्ना क्यों करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि नून मुश्दिद और मीम मुश्दीद जहाँ भी हो वहाँ हमने गुन्ना करना है लिहाजा नॉन मुशद्दद है तो यहाँ गुन्ना करेंगे बजन्ना, लयंबजन्ना बजन्ना, ठीक है उसके बाद है कौलम बलीगन ठीक है कौ हरूफ़ الواو لین आ गया वाव لین क्यों हुआ क्योंकि वाव साकिन से पहले वाले حرف के ऊपर ज़बर है इसलिए वाव لین हुआ कौ कौ ठीक है काफ حروف مستालिया में से है मोटा पढ़ना है तो इसको कैसे पढ़ेंगे कौ ठीक है उसके बाद है लाम तनवीन लाम तनवीन तो हो गया उसके बाद हमने देखा है कौन सा कायदा लग रहा है तो बा की वजह से इकलाब कायदा लग रहा है तो लिहाजा हम इसको मीम में बदलेंगे और गुणना करेंगे कौलम ब कौलम ब उसके बाद देखिए या मद्दा हो गया या मद्दा क्यों हुआ कि या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे जेर है तो इसको कैसे पढ़ेंगे कौलम बली कौलम बली मुस्तालिया में से है मोटा बढ़ेंगे। बलीवन। बलीवन। इस तरह पढ़ेंगे उसके बाद है ठीक है इसमें देखें खरूफ मुस्तालिया में से है उसके बाद या मद्दा है या मद्दा क्यों हुआ कि या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है इसलिए खबी उसके बाद रा तनवीन आ गया रा तनवीन के कायदों में हम देखेंगे कि आगे कौन सा हर्फ आ रहा है तो कौन सा अप्लाई हो रहा है तो ये बार है लिहाजा इकलाब कायदा अप्लाई हो रहा है तो मीम में बदलेंगे ऊना करेंगे खबीर रम खबीर रम उसके बाद सुदिया में से है सुई। उसके बाद या मद्दा भी आ गया या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो खबीर सुबर खबीर खबीर उसके बाद हैतीन जन बॉबवतीन जन्नतिम बी रोबिन नोन शदीद है ठीक है और यहाँ तशदीद वाला कायदा लगेगा गुण करेंगे जन्ना उसके बाद ता तनवीन है तो तनवीन का कायदा देखेंगे कौन सा लग रहा है तो देखा तो हमें पता चला कि बा है और हमें याद आ गया फौरन बा जो है वहाँ इकलाब करते हैं और मी में बदलते हैं तो लिहाजा हमने इकलाब किया और मी में बदला जन्नतिम बी उसके बाद है रॉब रॉब यहाँ बा जो है साकिन हुआ और यहाँ कलकला करेंगे बी रॉब बी रॉब इस तरह पढ़ेंगे वाह जबर वाहन बी रॉब व तीन जन्नतिम बेरो बवतीन जन्नतिम बेरो बवतीन जन्नतिम बेरो ठीक है उसके बाद है कि रामिम उसके बाद है कि रोमीम बेरोन कि रोमीम ठीक है ये यह, यहाँ देखिए के मीम तरवीन आ गया है और मीम तरवीन के बाद जब हमने देखा तो हमें पता चला कि बा आया है इकलाब कायदा हमें याद आया तो हमने फौरन ही मीम को मीम में बदल कर और हमने गुना किया और गा गुना... गुना करके हमने पढ़ा और इसको कि रो मीन कि ठीक है उसके बाद है आल बिहा यहाँ देखें लाम तनवीन है और तनवीन में यहाँ इकलाब कायदा लग रहा है तो भी, उसके बाद हा खड़ा जबर है उसके बाद अलिफ मद्दा हो गया जा की जा जो है वो म, अलिफ मद्दा की वजह से थोड़ा सा लंबा होगा यानी दो हर काल के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ से पहले वाले हर के ऊपर जबर है हिल इसमें तीन चीजें हैं तीनों की मकदार एक हर हरअलिफ के बराबर यानी दो हरकत के बराबर करनी है एक तो है ये गुन्ना उसके बाद है हाथ खड़ा जबर उसके बाद है अलिफ मद्दा तीनों की बर, बराबर मकदार है तो तीनों की मकदार एक जैसी होनी चाहिए तो खूबसूरती पैदा होगी हिल बिहाजा हिलुम बिहाजा ठीक है उसके बाद स्वाद जो है मुस्ालिया में से और मीम मुशदीम तनवी का कायदा लग रहा है इसलिए गुना होगा उसके बाद तनवीन देखेंगे तनवीन देखे तो उसके बाद का कायदा लगा तो वहाँ भी गुना होगा दो गुना इकट्ठे आ गए उसके बाद जो है बस यही तीन चीजें इसमें एक रुख मसालिया दो गुना तो इसको किस तरह पढ़ेंगे सुम उम बुकुमन सुम ठीक है इस तरह बढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही इंशाअल्लाह अज़्ज़वाजल बाकी नेक्स्ट लेक्चर में वमा अलैना इल्लल बलाग जज़ाकल्लाहु खैरा अल्लाह हाफिज़